हाय सजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस समय क्या मैसेज है, वो आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या परिस्थिति अभी चल रही है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम वो सब यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या ब्लॉकेजेस बन सकती हैं, ठीक है, हम वो सब चीज़ों को देखेंगे आपके लिए। और ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं कितने हैं आपके बच्चे सजिटेरियस धनु राशि, क्या चल रहा है। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। Healing waters. Air magic. Hibernation and regeneration bottom of the deck. My dear Sagittarius धनु राशि, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही हैं इस समय की, कि आप लोग अभी का जो दौर आपका चल रहा है ना, वो हीलिंग का चल रहा है। आप लोगों की हीलिंग हो रही है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है बेसिकली आप लोगों की हीलिंग का। और ये जो हीलिंग स्पेसिफिकली जो आपकी हो रही है, ये आपकी इमोशनल हीलिंग का दौर मैं देख रही हूँ यहाँ पर, कि आपकी इमोशनल हीलिंग यहाँ पर हो रही है। बट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जीज की भी बात करूँ, आपकी खुद की बात करूँ, तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन आपकी चल रही है आपको वो साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है मेरे जीवन में। तो जैसे कि आप कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हो, आप कुछ जानना चाह रहे हो, आप कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझना चाह रहे हो, पर आपके जो आसपास लोग हैं, आपके जो एनवायरनमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई कुछ कहता है तो आप उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपको कोई कुछ कहता है तो आप उस तरफ आप चले जाते हो। यहाँ पर यूनिवर्स, यहाँ पर ब्रह्मांड आपको एक मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड है ना आपकी, इस टाइम पीरियड में लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। तो इस समय आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना है जो भी आपके अंदर चल रहा है। क्योंकि आपके अंतर्मन में, मतलब आपके मन में ना द्वंद्व बहुत चल रहा है, बहुत फाइट्स चल रही हैं, बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत चीज़ें आप जानना, बहुत चीज़ें आप समझना यहाँ पर चाहते हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, और जो आप दूसरों से जानने की कोशिश भी कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं से पता चल जाए, मुझे कोई बता दे। आपको यूनिवर्स, आपको ब्रह्मांड यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये वक्त आप किसी से डिमांड मत करो, किसी की तरफ मत देखो कि कोई आपको बताएगा। ये वक्त है अपने आप से कनेक्ट होने का, ये वक्त है स्वयं के साथ कनेक्ट होने का, अपने आप के साथ समय बिताने का, ये वक्त है साधना करने का, ये वक्त है उस सोर्स से कनेक्ट होने का,
और वहीं से ही आपको वो मैसेज भी मिलेगा। इस समय ना मैं आपकी वाइब्रेशंस को थोड़ा सा लो देख रही। मैंने आपको बोला ना यहाँ पर कि मुझे आपके इमोशनल हीलिंग होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके इमोशंस की हीलिंग हो रही है। तो डेफिनेटली वो जब हीलिंग होती है ना, तो आपके अंदर इस तरह के आप उतार चढ़ाव को महसूस करेंगे, आप मूड स्विंग्स को आप फील करेंगे कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी आप बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हो, कभी आप बहुत ज़्यादा भावुक, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपने ऑरा को ज़रूर क्लींस कीजिए, क्योंकि इस समय आपकी सेंसिटिविटी इतनी हाई है कि आप अपने आसपास के लोगों की भी ऊर्जा को ले रहे हो और उनकी ऊर्जा जो है आपको जो है या फिर मैं कहूँगी आपके माइंड को जो है डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके आपकी ऊर्जा को आपकी आपकी ऑरा को इफ़ेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले तो जितना हो सके अपने एनवायरनमेंट को, यहाँ पर जहाँ आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हो, जो आपका रूम है, जो आपका ऑफिस रूम है, जो आपका डेस्क है, मतलब उसको अपने घर को क्लींस कीजिए। उसके लिए आप सेज आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आपको अमेज़ोन पर ईजिली मिल जाएगी। सेज यूज़ कर सकते हो आप, धूप यूज़ कर सकते हो आप, कपूर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का यूज़ कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मेडिटेशन करना, क्योंकि इस मूवमेंट पर ना आपको अपने मन को शांत करना होगा। आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है ना, उसको शांत करना इस समय बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इस समय का टाइम मैं आपके लिए बहुत पावरफुल देख रही हूँ। ये टाइम आपके लिए इतना पावरफुल है, ये समय आपके लिए इतना पावरफुल है कि आप जो भी सोचोगे ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो ज़रूरी है कि इस मोमेंट पर आप पॉजिटिव सोचें, आप पॉजिटिव रहें, आपके अंदर जो क्वेश्चन चल रहे हैं आप वो डिवाइन शक्ति से, उस सोर्स से वो क्वेश्चन करें इस मोमेंट पर। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो चल ही रहे हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। और मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप डिवाइन से डिसकनेक्टेड हो। एक सेकेंड गाइस, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप डिवाइन से डिसकनेक्टेड हो। आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, पूरी तरीके से आप यहाँ पर कनेक्टेड हो, बट कुछ चीज़ें ना आपके आसपास ऐसी हैं जो आपका ध्यान खींच लेती हैं, जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, ठीक है। होता है ना कि यहाँ पर खासकर मैं आपके इमोशंस की ही बात करूँ कि आप कभी कभी अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप करते हो कि ठीक है, मुझे अपने आप को शांत करना है, बैलेंस करना है, और मुझे साधना करनी है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना है, बट सडनली कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा छोटा या बड़ा, छोटे दायरे पर या बड़े दायरे पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है आपके जीवन में जो आपके इमोशंस को ना पूरा हिला देता है, आपको पूरा अंदर से हिला देता है, फ्लक्चुएट कर देता है, जिससे मैं आपका फोकस देख रही हूँ कि वो हट जाता है, जिससे आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। आप अपने जो आप अपना प्रोसेस आप अपना जो कर रहे होते हो ना, जो आप अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे होते हो, आप उससे थोड़ा हट जाते हो। तो वो काम आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपको बोला जा रहा है इस मूवमेंट पर ना आपको अपने फोकस को मेंटेन करके रखना है। इस समय आपकी एनर्जीज में मुझे एयर का, हवा का वेग बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो रहा है, कि आपका मन बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना चंचल वाली एनर्जीज, बहुत जल्दी भटक जाना, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाना, या बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाना, या बहुत जल्दी कोई कुछ कह रहा है तो हाँ ठीक है, वो सही कह रहा है, मुझे वही करने की ज़रूरत है, हाँ उसने ऐसा बोला है तो ऐसा ही होगा, वो वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। जिस वजह से कि आपके जीवन में इस समय ना कन्फ्यूजन्स ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, तो आपको इस समय यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस मोमेंट पर ना आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास की जो स्थिति है ना, वो आप पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करके रखें आप, ठीक है, और लोगों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट ही, मतलब लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जीज इतनी सेंसिटिव है कि आप उनकी एनर्जीज को कैच कर रहे हो। और इस समय में जितना हो सके साधना पर ध्यान दीजिए, साधना पर ध्यान देंगे तो आपका फोकस बढ़ेगा। ये मैटर मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, चाहे आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, चाहे
आप ऑफिस में जाते हो, आपका आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, हाउसवाइफ हो, मतलब कोई भी, यहाँ पर ये सभी के लिए सेम मैसेज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो इस समय आपको लोगों के साथ नहीं जाना है, मतलब आप समझिए कि लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, जो जल्दी जल्दी आपके माइंड को बदल दे, ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं पड़ना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा हूँ या मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और मैं भटकाव में जा रहा हूँ, तो आप सॉल्ट बाथ लें, अच्छा सा म्यूज़िक सुने, म्यूज़िक मतलब कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक सुने, मंत्रा चैंटिंग या नाम जप, मतलब जो भी आप करते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन पर ध्यान फोकस करना, वो करना, ये सब आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इस समय ना, यहाँ पर जो भी आपके जीवन में इस समय जो भी स्थिति चल रही है उस पर उस पर जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, जो ब्रह्मांड है, वो रोशनी डाल रहे हैं, वो आपको वो सही पाथ दिखा रहे हैं। बट मैं अगेन, मैं अगर आपको यहाँ पर बोलूँ ना कि मुझे आपके आसपास के माहौल का डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर बहुत होता हुआ दिख रहा है, मतलब इंटरफेरेंस उनका बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। आप वो होता है ना कि ये डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है और ये लोगों की तरफ से मैसेज आ रहा है, अब वो क्लैश हो रहा है और आप हो रहे हो कन्फ्यूज़। अगर इस समय आप किसी परिस्थिति में कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो इस वजह से ज़्यादा है कि आप लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हो या सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा भटक रहे हो, कोई सिचुएशन आपको भटका रही है, ठीक है। आपका माइंड स्थिर नहीं रह पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स, ब्रह्मांड, डिवाइन रेडी हैं आपको मैसेज देने के लिए, आपको वो सही डायरेक्शन बताने के लिए, आपको वो क्लैरिटी देने के लिए सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप अभी स्टक अपने आप को फील कर रहे हो, जहाँ पर भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इस समय जितना हो सके अपने आप के साथ समय बिताएं, अपने आप के साथ, अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों का ना माइंड इस समय इतना ज़्यादा चल रहा है कि आप ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो, आप प्रॉपर रेस्ट भी नहीं ले पा रहे हो, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच आपके अंदर चल रही है, तो उससे भी आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छी नींद आपको लेने की ज़रूरत है, अच्छे से रेस्ट आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है इस मोमेंट पर, ओके। आप जैसे ना आप अपने अंदर ही अंदर ना वो क्वेश्चन पूछते हो डिवाइन से कि ये क्यों है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर कोई भी ये सिचुएशन है, क्योंकि जनरल रीडिंग है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिचुएशन में मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही है, अब मैं आगे क्या करूं, मुझे किस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो वो जो आपके माइंड में चलता है ना, तो आपको तो वो रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वहीं या तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, या आप इमोशनली फ्लक्चुएट हो जाते हो, या कोई इंसान आपको कुछ कह देता है, किसी की तरह से कुछ ऐसा रिएक्शन आपको मिल जाता है, जिस वजह से कि आप वो सही मैसेज को पिक नहीं कर पाते। वो एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ यहाँ पर। तो अपने थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करके चलो यहाँ पर, उसको थोड़ा सा संभालने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, कि वो भटके नहीं जल्दी जल्दी से दूसरों की बातों में नहीं आए, समझ रहे हैं आप। इस समय ना आप जितना हो सके एसेंस के साथ काम करें, धूप हो गई, सेज हो गई, अगरबत्ती हो गई, ठीक है। और मेडिटेशन तो इस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपके फोकस के लिए, आपके फोकस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए मेडिटेशन है। लेट्स सी, और आपके लिए यहाँ पर इस समय आपको और क्या करने की ज़रूरत है सेजिटेरियस। मेडिटेशन टू डिग डीप, मैंने आपको बोला है ना, यही तो मैं आपको बोल रही हूँ। और आपके लिए ये मेडिटेशन भी क्या आ रही है कि एक होता है ना कि थोड़ी सी मेडिटेशन कर ली, 5 to 10 minutes की मेडिटेशन कर ली, वो आपके लिए इनफ नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड आप यहाँ पर चल रहा है, तो आपको पूरी तरीके से कनेक्ट होना होगा यहाँ पर मेडिटेशन के दौरान। अर्थ मैजिक, ओके।
ओके यहाँ पर एक ही है, ठीक है। वाटर मैजिक, ब्यूटिफुल। देखिए इस समय आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस। देखिए इस समय जो भी सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं सेजिटेरियस, जो भी सिचुएशन से आप लोग यहाँ पर गुजर रहे हो, सबसे पहले तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप इतने पावरफुल हो कि आप इस सिचुएशन को ईज़िली डील कर सकते हो, इस सिचुएशन को ईज़िली हैंडल कर सकते हो, इस सिचुएशन से ईज़िली बाहर आ सकते हो। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, बस आपको उससे जुड़ने की ज़रूरत है, आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मैं कह रही हूँ ना यहाँ पर आपकी बाहर से कोई इंसान मदद नहीं करेगा। अगर आप जितना लोगों के बारे में सुनोगे या फिर लोगों से सुनोगे ना, उतना आप अपने पाथ से भटकोगे, उतना आप कंफ्यूज होगे। जितना आप लोगों से पूछोगे, जितना आपको लोग बताएंगे आपके आसपास, उतना आप कंफ्यूज होते जाओगे कि मैं ये करूं या वो करूं, वो करूं या ये करूं, मेरे लिए ये सही है या वो सही है। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूं। आपके अंदर से जो आपको आवाज़ आएगी ना, वही आपकी पावर है, वही आपको सही पाथ दिखाएगी, वही आपको आपकी सिचुएशन को कंट्रोल करवाएगी, आपको सही रास्ता दिखाएगी। और उसके लिए आपका अपने आप से, अपनी पावर से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ दोनों में ना आपके लिए क्रिस्टल्स बहुत स्पेसिफिक देख रही हूँ। मैं यहाँ पर आपके लिए एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्स आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। एमेथिस्ट क्रिस्टल मतलब आपका मे बी आप अट्रैक्टेड फील भी कर रहे हों क्रिस्टल्स की तरफ, ठीक है, स्टोन्स की तरफ। तो प्लीज़ आप इनके साथ काम कीजिए, ये आपकी पावर को और बूस्ट करने में मदद करेंगे अगर आप बिलीव करते हो तो, क्योंकि ये क्रिस्टल्स भी उन्हीं के साथ ही काम करते हैं, उन्हीं को ही इफ़ेक्ट देते हैं जो इन पर बिलीव करते हैं, ठीक है, जो इन पर विश्वास करते हैं। तो सबसे मेन तो आपके लिए यहाँ पर जो आ रहा है वो है क्लियर क्वार्ट्ज़, जो कि आपके क्राउन चक्रा को भी डिनोट करता है, आपके यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर एमेथिस्ट क्रिस्टल है वो आपकी थर्ड आई को ओपन करने में, उसको बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा। तो ये तीनों चीज़ें जो मैं अभी क्रिस्टल्स तो मैंने आपको अभी बताए हैं, दूसरा जो मैंने आपको सॉल्ट बाथ लेने के लिए यहाँ पर बोला था, ठीक है, आई थिंक सो मैंने आपको बोला है कि सॉल्ट बाथ लेना आपके लिए ज़रूरी है। अगर नहीं बोला है तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर सुनिए कि सॉल्ट के साथ काम कीजिए। हिमालयन सॉल्ट आप ले सकते हो, ठीक है, आपको वो भी अमेज़ोन पर ईज़िली अवेलेबल है, मिल जाएगा, वो बहुत महंगा भी नहीं है। तो आप हिमालयन सॉल्ट जो है वो मंगवा लीजिए, और जब भी आप रोज़ नहाएं आप उसको डाल करके नहाएं, ठीक है, उस सॉल्ट को डाल करके नहाएं, वो आपके ऑरा को, आपकी एनर्जीज़ को क्लींस करेगा। और सेज करना, अपने आसपास अपने स्पेस को क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है डेली, क्योंकि आपके आसपास में ना बहुत नेगेटिविटी बहुत है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, जिस वजह से कि आपके अंदर कन्फ्यूजन्स बहुत जाता है, इल्यूजन्स बहुत जाता है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगर आपको कहीं से मिलने भी लगती है ना, अंदर से आपको क्लैरिटी आती भी है, तो वो जिसे कहते हैं कि, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको पता चलता है कि ओके मुझे ये करना है इस समय, या मेरे लिए ये सही है, ठीक है, लेकिन वहीं आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा आपको बोल देते हैं या कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है और आप उस पर ही डाउट करने लग जाते हो, अपने ही अंदर से जो आपको आवाज़ आती है ना, जो आपको क्लैरिटी मिलती है उस पर ही डाउट करने लग जाते हो, तो वो इल्यूजन्स क्रिएट कर देती है, जिस वजह से कि आप अपनी ही आवाज़ पर, अपनी ही इंट्यूशन की आवाज़ पर आप विश्वास नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पर वो ट्रस्ट इशू आ जाता है। तो आपको इतना स्टेबल होना है, इतना बैलेंस होना है कि आप अपनी वॉइस को, अपनी इनर वॉइस को आप सुन पाओ, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुन पाओ। बिलीव मी, अगर आप ये करते हो ना, आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट करने वाले हो, आप बहुत बड़ा कोई मैजिक क्रिएट करोगे अपने जीवन में, आप कोई मतलब कुछ जैसे कुछ अनलॉक हो रहा है, कुछ खुल रहा है आपके जीवन में, कुछ पता चल रहा है आपको,
और पता चलने का मतलब ये नहीं, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने आप के बारे में ही कुछ आपको पता चल रहा है, आप जान रहे हो, आप पहचान रहे हो अपने आप को, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप सही ट्रैक पर आ रहे हो, आपके लिए ग्राउंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकेस अगर आप क्रिस्टल्स के साथ अगर काम नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपके आसपास कोई गार्डन एरिया है, ठीक है, या फिर प्लांट भी है, तो उनकी जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी को टच करना, उसे फील करना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ बैठकर थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, मिट्टी को टच कीजिए, आइस क्लोज कीजिए और अपनी थर्ड आई पर ध्यान लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, बिना किसी से बात करे चुपचाप थोड़ी देर ऐसे बैठिए। और यहाँ पर इस समय आपको बोला जा रहा है, मैंने आपको क्या बोला था कि आपके थॉट्स इस समय बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो आपको बैलेंस करना होगा। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने माइंड को थोड़ा सा ना सही दिशा में लगाओ। इस समय आपको वाटर मैजिक करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को इन अ पॉजिटिव सेंस। जब आप पानी पीते हो तो उसमें एफिमेशंस डालो, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो, जो भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, छोटी छोटी एफिमेशंस बना लो। और जब भी आप पानी पियो ना, किसी भी मटेरियल के ग्लास में आप पियो, कांच का है, स्टील का है, मतलब कोई भी चलेगा, वो मैटर नहीं करता अभी, ठीक है। तो आप उस ग्लास में पानी भरेंगे, पीने से पहले उस पे 11 बार आप उस एफिमेशन को बोलो, ठीक है, जो भी आप चाहते हो। अगर जैसे अगर आप कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो कि मुझे जॉब मिल गई है, ठीक है, जैसी मैं जॉब चाहता हूँ मुझे वो जॉब मिल गई है, मतलब इस एफिमेशन को आप किसी भी लैंग्वेज में, अपनी हिंदी, इंग्लिश या अपनी नेटिव लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, छोटी से छोटी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, उसको 11 टाइम बोलो, चैंट करो और पी लो। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी आपको इस समय काम करना है ना, उस पर विश्वास करके करना है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, इस समय जो ब्रह्मांड आपके लिए मैसेज भेज रहे हैं ना, वो यही है कि इस समय के किया हुआ काम, इस समय की हुई मैनिफेस्टेशन, इस समय का किया हुआ इनर वर्क आपके जीवन में बहुत बड़ा मैजिक लेकर के आने वाला है। आप कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी कोई बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, वो ड्रीम यहाँ पर फुलफिल होगी, बेसिकली जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को इस समय आपको हल्का करने की ज़रूरत है, लाइट करने की ज़रूरत है। आगे के बारे में सोचना, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड होना, दूर की, मतलब मैं ये कहने का मतलब है कि ये नहीं कह रही आप फ्यूचर में डूब जाओ, कहने का मतलब आप कैसा अपना फ्यूचर चाहते हो, कैसा फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी आगे की कैसे चाहते हो, उसके बारे में सोचना, विजन्स देखना उसके बारे में, ठीक है। आप वैसा विजन देखिए, आप वैसा वो चीज़ आप क्रिएट करोगे, क्योंकि इस समय आपका माइंड ऐसी स्थिति में है, आपके जीवन में वो आशीर्वाद आपको इस समय मिला हुआ है कि आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन मेरा बताना आपको ये फ़र्ज़ बनता है इस मोमेंट पर कि वो चीज़ अगर आप नेगेटिव भी सोचोगे ना, तो वो भी लिटरली मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड ये नहीं देख रहा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि आप क्या चाह रहे हो, और वो आपकी सोच लिटरली बताएगी, वो आपके थॉट्स लिटरली बताएंगे कि आप क्या चाहते हो, समझ रहे हो। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो चीज़ बिल्ड होगी, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो चीज़ बिल्ड होगी। तो अब आपको ये देखना है कि मुझे क्या चाहिए, इस चीज़ पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है, और वैसे विजन्स देखने, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर जो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको ना अपने जो भी विश आप चाहते हो उसको लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना स्टार्ट कर दो कि वो मुझे मिल गई है, वो मेरे पास है। और उसकी ना जैसे बारीकियाँ होती हैं, जैसे उसको फील करना, वो छोटी छोटी चीज़ों को वो प्रेजेंट टेंस में लिखो, आप उसको फील करो और उसे लिखो। जर्नल करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, लिखने से वो चीज़ बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट होगी आपके जीवन में। वो बेसिकली जो भी आप पाना चाह रहे हो ना, उसको और वो पावर देगी और उसको बूस्ट करेगी, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं आने वाले समय में आपके लिए ना बहुत मनी प्रॉस्पैरिटी भी यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे गोल्डन फिश आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। आई एम सॉरी,
और लिटरली मैं ये कार्ड निकालना चाहती हूँ एक बार और. इस समय ना आपके जीवन जीवन में जो भी परिस्थिति चल रही है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके पास वो पावर है, आप उसको कहीं पर भी मोड़ सकते हो. मैंने आपको क्या बोला ना, आपके थॉट्स इतने पावरफुल हैं कि अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव भी चल रहा है ना, तो आपके अंदर उतना बल है, आपके पास उतनी पावर है, आपके पास उतना, मतलब जिसे कहते हैं ना, ईश्वर ने शक्ति आपको दे रखी है कि आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को इस टाइम पीरियड में मैनिफेस्ट कर सकते हो. वो होता है ना कि परिस्थिति चल रही है रॉन्ग, लेकिन आपके पास वो पावर है, आप एक मैजिशियन की एनर्जीज में हो. यहाँ पर लिटरली वो मैजिशियन की ही ऊर्जा यहाँ पर बनी हुई है कि आप मैजिशियन की ऊर्जा में हो, आप ईश्वर की शक्ति के साथ मिल करके, और जो आपके पास जो सोर्स है, जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, उसको कनेक्ट करके ना आप अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो इस समय. लेकिन उसके लिए आपको अपनी पावर में टैप इन करना होगा. इस समय आपका माइंड ही आपको नीचे गिरा सकता है, आपको डल बना सकता है, आपको डीमोटिवेट कर सकता है, और आपका माइंड ही है जो आपके जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर सकता है. तो इस समय ब्रह्मांड आपको यही बोल रहे हैं कि इस समय आपको देखना है कि आप किस हवा में जा रहे हो, आप किस वेग की तरफ जा रहे हो. जो परिस्थिति आपको मोड़ रही है, एक तो हम कहते हैं ना कि भाई जो परिस्थिति चल रही है उस तरफ बढ़ते रहो, उसमें हाथ मत मारो, छेड़ो मत, गोइंग विद द फ्लो रहो. लेकिन आपकी परिस्थिति में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में जो चल रहा है ना, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो शक्ति है कि आप अपने जीवन में उस परिस्थिति को सही कर सकते हो, बिल्कुल 360 डिग्री शिफ्ट कर सकते हो उसको. किसकी वजह से? अपने माइंड की पावर से. आपके पास वो माइंड की पावर है. माइंड की पावर क्या है? यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि ये एनर्जीज बहुत पावरफुल है, एयर मैजिक. आपके पास वो पावर है, सोच की पावर, विजन की पावर. इस समय आपकी सोच बहुत पावरफुल है, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है. इस समय आप जो सोचोगे उसे मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी ज़िंदगी में. तो इस चीज़ को अगर आप इस रीडिंग में टैपिंग किए हो ना, तो प्लीज़ इस रीडिंग को ना लाइटली मत लीजिए. मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे ही वो लोग जिनके लिए इसमें मैसेजेस हों, जिनके लिए इसमें ये बहुत ज़रूरी मैसेज है, जिन तक ये मैसेज पहुँचना है. तो आप इस समय अपनी अपने माइंड की पावर को समझो. आप एक मैजिशियन का रोल प्ले कर रहे हो, लेकिन ये वो नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ. आप सब कुछ कर सकते हो डिवाइन के साथ मिल करके. तो उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके साथ कनेक्ट होइए, और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, एफिर्मेशंस बोलिए, वैसे विजन्स बनाइए, जर्नलिंग कीजिए, लिखिए जो आप अपने जीवन में चाहते हो, और वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी. बिलीव मी, परिस्थिति जितनी भी ख़राब होगी ना, आप उसको पलट दोगे. और क्योंकि यहाँ पर ना मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो भी परिस्थिति चल रही है ना, आपके एंसेस्टर्स की प्रेजेंस है यहाँ पर, और आपके एंसेस्टर्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अगर आपको ये गलतफहमी है ना, मैं गलतफहमी ही बोलूँगी कि इस परिस्थिति में आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, बिलीव मी, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ये जो परिस्थिति क्रिएट की गई है ना, ये जो परिस्थिति आपके जीवन में लाई गई है इस मोमेंट पर, जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो गाइस, वो सिचुएशन ही इसलिए लाई गई है कि आप अपनी पावर में टैप इन करो. आप अपनी शक्ति को जानो कि आप क्या बिल्ड कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो अपने जीवन में. एक बुरी परिस्थिति को भी सही, अच्छी परिस्थिति में जो आप अपने बेसिकली जो आपके ड्रीम्स हैं उसमें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. उस परिस्थिति को ऐसे आप बदल सकते हो, कहते हैं ना टेबल्स टर्न हो जाना, वो आपके अंदर पावर है यहाँ पर. तो आपको आप ही के पावर में टैप इन करने के लिए यहाँ पर आपके, जिसे कहते हैं ना, मे बी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंट आप फील नहीं करते हो. आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का ही नहीं है. तो आपको आपके लिए ऐसा सिचुएशन इस समय क्रिएट कर दिया गया है कि आप ऑटोमेटिकली अपनी पावर को समझो और उसमें टैप इन करो. जब हम किसी बहुत बड़ी समस्या में आते हैं ना, तभी हम अपनी पावर को अनलॉक करते हैं. अदरवाइज हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. ये तो आप भी मानते होंगे, जब तक हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ नहीं टूट पड़ता है ना, तब तक हम नहीं जानते कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं.
हम हर वो काम कर लेंगे जो हम सोच ही नहीं सकते कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। परिस्थिति हमें वो हमसे वो करवा देती है। तो एग्जैक्टली आपके साथ भी ना वैसी ही सिचुएशन अभी की स्थिति में आपके चल रही है। बस इस समय में अपनी एनर्जी को सेंटर करो, अपने आप से कनेक्ट हो, अपनी पावर को क्लेम करो। अभी से इस रीडिंग को मैं कह रही हूँ क्लेम करो और डिवाइन से प्रार्थना करो कि वो आपकी मदद करे इसे क्लेम करने में। बिलीव मी, क्योंकि यहाँ पर मैजिक है आपके जीवन में, लिटरली यहाँ पर मैजिक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मुझे मशरूम्स अट्रैक्ट करे हैं आपके लिए, और मशरूम लिटरली मैं इनको मैजिक के रूप में देखती हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ना किसी वाइल्ड एनर्जीज़ को, पावरफुल एनर्जीज़ को आप ओपन करने वाले हो। ओके, ये कुछ बहुत पावरफुल है। और आई नो जिनकी ये रीडिंग है ना वो मतलब फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आप लोग फील कर पा रहे हो कि हाँ कुछ तो है। ओके, ग्रैटिट्यूड, ये ना मैं अलग से आपके लिए लेना चाहूँगी, ये आया है क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन बोला ही नहीं था अपना। लेट्स सी, अगर आप ये सब करते हो, इन गाइडेंस को फॉलो अगर आप करते हो तो आपके लिए क्या आ रहा है सैजिटेरियस के लिए। कनेक्ट विद गाया। आई एम सॉरी गाइज, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, रियली वेरी सॉरी। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर, आई थिंक सो लाइट है। ओके, कनेक्ट विद गाया। ओके, वाओ, माय गॉड, वेरी पावरफुल मैसेज। एक्सेप्ट लव, लिटरली यहाँ पर ना मुझे वो एनर्जीज मिली थी, और आई एम सो सॉरी मैंने आपको नहीं बताया वो जिसे कहते हैं ना, मुझे टू ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर मिली थी। तो यहाँ पर है एक्सेप्ट लव। ओके, एफर्मेशंस फॉर एक्सेप्टेंस, सॉरी। ओके, फेट, किस्मत आपकी, ओ माय गॉड, इंस्पिरेशन एंड करेज, ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस, ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं मतलब क्या बोलूँ आपको। देखो इस समय ना सेजिटेरियस, एक बात तो है ग्रेटफुल की एनर्जीज में आ जाओ, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आ जाओ, क्योंकि आपकी ये जिंदगी बिल्कुल मैजिकल होने वाली है, बहुत पावरफुल होने वाली है। आप ना बहुत खुश होने वाले हो, बिलीव मी, अगर आप इस रीडिंग पर आए हो ना, आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। और मैं ईश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे थ्रू ना आपको ये मतलब मैसेज पहुँचा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको ये दे पा रही हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी मतलब मैं कहूँगी खुशकिस्मती है कि मैं वो एक माध्यम बनी हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो आपकी ज़िंदगी बहुत ब्लेस्ड हो जाने वाली है। इस समय आप जिस भी परिस्थिति में हो ना, बिलीव मी, आप इतने ब्यूटीफुल एनर्जीज में जाने वाले हो। और गाइस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ओके, वेट, हाँ जी, तो आप ये देख सकते हो यहाँ से हमने आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग करी थी, ठीक है, ये इस तरह की ऊर्जा से। और ये देखिए आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है कि आप इतने ग्रेटफुल रहने वाले हो, इतनी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, इतनी खुशियों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो कि ईश्वर का शुक्रिया अदा करते नहीं आप थकने वाले। ये वो वाली एनर्जीज़ है, मतलब आप अपनी पावर को तो क्लेम करोगे और उस वजह से आप अपने जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करोगे, इतनी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो, मैनिफेस्ट करने वाले हो, आप बहुत खुश रहने वाले हो। ये अल्टीमेट खुशी है, ये टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड की एनर्जीज, ये
सब कुछ है इसमें। तो बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर होगा अगर आप इस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो। दूसरा, आपके यहाँ पर मैं ये तो जिसे कहते हैं ना, ये एक वर्ल्ड का कार्ड था, ये कंप्लीशन की एनर्जीज है आपके लिए, ठीक है। ये वो कंप्लीशन के बारे में बता रहा है, ये वो फुलफिलमेंट के बारे में बता रहा है। इसमें क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके रूट्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपको इस मटेरियल वर्ल्ड की जिसे कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो खुशी आपको मिलेगी, वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। क्या आप चाहते थे, क्या आप अच्छे रिश्ते, आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलता था, अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते थे, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो अदर रिलेशनशिप्स हो, अच्छे दोस्त हों, फ्रेंडशिप्स, जो भी मतलब रिश्ते हों, मतलब कहने का मतलब आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं थे, लोग आपको यूज़ करते थे, तो वो ऐसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में। बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब आपका वक्त आ रहा है, जितना आपने अपनी तरफ से किया है ना, अब आपका वक्त आ रहा है लेने का। बस आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये काम कर लीजिए, इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, बिलीव मी, आप बहुत सारी जिसे कहते हैं ना कि दो दो हाथ करके भी लेना ना आपके लिए कम पड़ेगा, ये वो अबंडेंस में देख रही हूँ। यूनिवर्स का, नेचर का, कुदरत का वो सपोर्ट आपको मिलेगा। और ये कुछ ऐसे ही नहीं मिल रहा है, ये आपकी किस्मत में है, ये फेटेड है, ये फेटेड है। फेट की एनर्जीज देख रहे हो यहाँ पर, ये आपके लिए बना हुआ, जैसे कि अगेन यहाँ पर डाइसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, टेबल टर्न हो रही हैं। जिन चीज़ों की आपको उम्मीद नहीं थी ना, आपने बहुत कियोस देखा है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे जैसे कि कोई बवंडर है यहाँ पर, यहाँ पर टावर की एनर्जीज थी, आपको उससे बाहर लेकर के आया जा रहा है, और इस चीज़ को आपने खुद ने मैनिफेस्ट करा है। और यहाँ पर अगर आप क्रॉस की एनर्जीज देख रहे हो, ये क्रॉस उड़ रहे हैं, कौवे हैं ये, और ये जो है हमारे एंसेस्टर्स को डिनोट करते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स, उनका साथ, उनका, उनकी गाइडेंस, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, सबसे बड़ी बात ये है। और उनकी मदद के साथ आप अपनी किस्मत जिसे कहते हैं ना, आप अपनी जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, आप उसको पा रहे हो। बस ये जो सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट की गई है ना, माय गॉड, ये आपको आपकी पावर में टैप इन करने के लिए ही की गई हैं। तो अपनी पावर को क्लेम करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी खुशियों को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। और मैं कोई यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई इंसान यहाँ पर सिंगल है, ठीक है, किसी पर्सन की वेट में है, और यहाँ पर लिटरली कोई ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो आपकी तरफ वो ट्रू लव आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे इस प्यार की ऊर्जा से, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, जो भी कुछ आप पाना चाहोगे वो आपको मिलेगा, वो मैनिफेस्ट होगा आपके जीवन में। तो अपनी पावर को समझो, आप इतने पावरफुल हो, आप इतने पावरफुल हो, लेकिन उसके लिए आपको ये गाइडेंस को फॉलो करना है। आपको यहाँ पर ना लोगों की नहीं सुननी है, लोगों के बातों में नहीं आना है, सिचुएशन से भटकना नहीं है, बल्कि आपको अपनी एनर्जी में, आपको अपनी पावर में, आपको अपनी शक्ति में टैप इन करना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ब्यूटीफुल। देखिए मैं हालांकि मुझे डिम लाइट में ना रीडिंग करनी पसंद है, पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुदरत चाहता था कि आपकी ज़िंदगी में रोशनी हो। जैसे कि मैंने ये पहली रीडिंग में करा है अभी, ऐसा कि आपकी रीडिंग में मैंने लैम्प को बंद करके मैंने लाइट जलाई है, तो कहने का मतलब वो अंधेरे से रोशनी में टैप इन करना, समझ रहे हैं आप। अगर आप इस कार्ड को फील कर रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। बस ऐसी ही फीलिंग आपके लिए आने वाली है, दिल से वो जिसे कहते हैं ना खुशी, पर इसे आप खुद मैनिफेस्ट करोगे, आप खुद मैनिफेस्ट करोगे गाइस, खुद मैनिफेस्ट करोगे। प्लीज़ अपने आप से कनेक्ट हो, अपने दिल पर हाथ रखो। इस समय आपका दिल आपको क्या कह रहा है, बस उसको फॉलो करो, आइज़ क्लोज करो और उसको फॉलो करो। आपको और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, बस। ब्यूटिफुल। लेट्स सी, मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि अगर इन सब चीज़ों में कुछ और ब्लॉकेज है तो वो क्या आ सकती है, ठीक है, ब्लॉकेज क्या हो सकती है। सैजिटेरियस धनुराशि, सन
वो एनर्जीज मुझे मिल रही थी. ओके स्टार, वही सेम मैसेज है आपके लिए गाइस जो मैं आपको बता रही थी. चलिए पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ. देखो आपका अपने ऊपर डाउट करना, जो आपने परिस्थिति देखी है या जो देख रहे हो, जो आपने अपने अपने जीवन में देखा है, जितना स्ट्रगल आपने फेस करा है ना, तो वो आपको अपनी डेस्टिनी, जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप उसको ना उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में ये मुझे मिल सकता है, क्या ये पॉसिबल है, उस पर विश्वास नहीं कर पाना. जैसे कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा रीबर्थ होगा, मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस होगा, या फिर मैं वो इंसान हूँ. लिटरली अभी भी जो मैंने आपको जिसे बताया ना, वो डाउट्स साथ साथ चल रहे हैं आपके, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, तो आपके अंदर डाउट्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि क्या वाकई में मैं यही इंसान हूँ, क्या वाकई में मेरे पास वो पावर है, वाकई में मैं अपनी जीवन में मैजिक क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो जिसे कहते हैं ना कि अपने आप पर ही डाउट करना, अपनी अपनी शक्तियों पर डाउट करना, ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है. तो प्लीज़ इस ब्लॉकेज पर काम कीजिए. आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके लिए अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो, अगर आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें, अगर आप हिंदुइज्म से रिलेटेड हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं. ठीक है, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं. अगर आप अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी देर ना, जब सूर्य उदय होता है, जब सूरज चढ़ता है, तो थोड़ी देर, आधा घंटा आप सूरज की किरणों के नीचे बैठिए. ठीक है, रेज लेना, वो ऊर्जा लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो वो भी आपको पॉजिटिव करने में, आपको कॉन्फिडेंस, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाने में, आपको कॉन्फिडेंट करने में, ठीक है, आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा. ठीक है, और यहाँ पर ना मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप अगर अपने चक्रास बैलेंस करें, ठीक है, आपके जो 7 चक्रास हैं, अगर आप उनको बैलेंस करेंगे ना, तो भी आप अलाइनमेंट में आएंगे, तो भी आप अपने अंदर बदलाव देखेंगे. तो गाइज इस पर काम करना, सबसे पहले तो अपने आप को ये एफर्मेशंस देने लग जाओ कि मैं वर्दी हूँ, मैं पावरफुल हूँ. ठीक है, ये आप अपने आप को ना पहले तो एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दो कि आप डिवाइन के चाइल्ड हो. इस चीज़ को समझना आप स्टार्ट कर दो, अपने चक्रास पर काम करना स्टार्ट कर दो, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना स्टार्ट कर दो. लेट्स सी आपका एनवायरनमेंट कैसा है, सजिटेरियस का एनवायरनमेंट कैसा है. 10 of Cups, Page of Cups. ओके आपका एनवायरनमेंट तो सपोर्टिव है. मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है कि आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर सपोर्टिव नहीं है. लेट्स सी, एक मिनट में यहाँ पर क्लारिफायर ले लेती हूँ. एक ओके 7 of Cups देख रहे हैं यहाँ पर, कप्स की ही एनर्जीज आई हैं. यस, ये एनर्जीज आपको यही बोल रही है. देखिए मैं यहाँ पर ना वो नहीं कह रही हूँ कि आपको आपके आसपास जो आपके लोग हैं उनसे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा. डेफिनेटली आपको उनसे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो यहाँ पर मैं उनके सपोर्ट की कमी यहाँ पर आप नहीं देख रही हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन्स लाने में, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने में, आपके सामने जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे ऑप्शंस लाने में, उनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा. देखिए ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके लवर हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं. तो कोई बहुत ही क्लोज जिसे कहते हैं ना कि, लेकिन हाँ वो थोड़ा ना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वो आप पर इम्पैक्ट डालेगा कि हाँ उस वजह से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो. तो ये
मैं कहूँगी सारा डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना उन पर डिपेंडेंट हो, या उनकी बातों को मानते हो, या फिर आपको अपने इनर वॉइस की सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं बिना बात के कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करूँ, तो आपके एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि भटकाव आ जाता है, वो होता है ना कि एक केयरिंग नेचर होती है अपनों की, ठीक है ना, लविंग एंड केयरिंग नेचर होती है। ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पर डेथ कार्ड दिख रहा है, ओ लिटरली, ठीक है। तो लविंग एंड केयरिंग नेचर होती है ना उनकी, तो बस उस वजह से कि वो आपको जो राय दे रहे हैं, वो जो आपको सजेशंस दे रहे हैं, आपको जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं ना, आप उन पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहने वाले हैं, ठीक है, जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं ना, बथेरे रहने वाले हैं। तो ऑप्शंस बड़े रहेंगे आपके पास, तो लेकिन आपको अपनी बुद्धि का यूज़ करना है, आपको अपनी विजडम का यूज़ करना है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि कन्फ्यूजन उसी वजह से आ रही है। तो मैं यही बोलूँगी गाइस, इस रीडिंग को दोबारा से सुनो, और जो आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है ना स्टार्टिंग से, उस पर आपको बेसिकली काम करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। अगर आप उस पर काम नहीं करोगे ना, तो भाई आप बस इसी तरीके से ना ऐसे गोल 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 घूमते ही रहोगे, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, सजिटेरियस, धन राशि, रेनबो मूनस्टोन। आपको ना डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप मूनस्टोन, एक तो मून मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जब फुल मून और न्यू मून होता है ना, आप मेडिटेशन किया करो, क्योंकि मून का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। पानी का वेस्ट मत किया करो, ठीक है, पानी को जितना हो सके, इवन जब आप पानी पीते भी हैं ना, तो उतना पानी लीजिए जितना आपको पीना है, पानी को फेंकिए मत, वेस्ट मत कीजिए उसको, उसको बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप उसको ऐसे चला दोगे, वेस्ट कर दोगे ना, उतने ही आपके मूड स्विंग्स भी रहेगा, आपका मन अशांत रहेगा। तो इस चीज़ का आपको खास करके आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप लोगों के चार्ट में भी हो सकता है कि मून नेगेटिव हो, तो अपने मून को ठीक कीजिए, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। चांदी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, चांदी की ज्वेलरी आप पहन सकते हो, चांदी के ग्लास में पानी पीना, चांदी के बर्तनों में खाना खा सकते हो। अगर भाई बर्तनों की तो बात मुझे नहीं पता है इतना कोई करता है कि नहीं करता है, लेकिन हाँ, चांदी के ग्लास में आप पानी ज़रूर पी सकते हो, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और मून मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप मूनस्टोन, रेनबो मूनस्टोन स्पेसिफिकली आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका नाम एक्चुअल में मून नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। किस पर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है? जो आपकी इनर कॉलिंग है ना, आपकी जो इंट्यूशन की वॉइस है, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, आप उस पर डाउट बहुत करते हो। तो वो उसके लिए ना आप मूनस्टोन वियर कीजिए। यहाँ पर वैसे भी आपके लिए अर्थ मैजिक आया है गाइस, तो अगर आप स्टोन्स अगर आप वियर करते हो ना, मतलब स्टोन्स पर अगर आपका फोकस जा रहा है, या फिर आप खिंचाव फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ना इनके साथ काम करने की ज़रूरत है। एंड बिलीव मी, अगर मेरे से प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन मत कीजिएगा, ये स्टोन ना कोई भी पहन सकता है, ये सेमी प्रिशियस स्टोन होते हैं, ये प्रिशियस स्टोन नहीं होते हैं। जैसे कि प्रिशियस स्टोन होते हैं नीलम हो गया, ठीक है, और हीरा हो गया, और मतलब पन्ना हो गया, ये सब जो होते हैं ना, ये सब आप ज्योतिष के अकॉर्डिंगली आप पहले कंसल्ट करिए, मतलब किसी ज्योतिष से, तो आप वियर कीजिए। अदरवाइज ये जो सेमी प्रिशियस स्टोन होते हैं, इन्हें कोई भी वियर कर सकता है, इसमें कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है। बस इसमें अपनी इंटेंशंस डालिए और इन्हें यूज़ कीजिए, ओके। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है। रिकनेक्ट विद मदर अर्थ, प्लांट, गार्डन, हार्वेस्ट। देखो, आपको ना गाया से, मदर अर्थ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, नेचर से यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए हम बोला जा रहा है। मैंने आपको बोला ना कि मिट्टी को हाथ लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उससे भी आपकी जो नेगेटिविटी है ना, वो रिलीज़ होगी। आप देखोगे कि आपकी एनर्जी सेंटर हो रही है, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपका फोकस ठीक हो रहा है, यहाँ पर मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। तो अगर आपके आसपास प्लांट्स हैं तो उनके साथ कनेक्ट होइए, ठीक है, गार्डन है तो उसके साथ कनेक्ट होइए, गार्डनिंग कीजिए, प्लांट्स लगाइए अपने घर में, घर के बाहर लगाइए, ये सब आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेचर के साथ जितना हो सके ना कनेक्ट होइए। ये क्या आया भाई आपके लिए, गेट रेडी फॉर अ बिग ब्रेक थ्रू, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ।
है ना। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हैप्पी रहने वाला है, मतलब मैं उस दौर की बात नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली वो दौर से तो आपको इस तरीके से पास करना ही है, लेकिन आप एक बटरफ्लाई बन के निकलोगे यहाँ पर। इतनी सारी बटरफ्लाइज देख रहे हो, आप बटरफ्लाई बनने वाले हो, आप एक बिल्कुल रीबर्थ वाली एनर्जीज में आने वाले हो। लेकिन इससे डरना नहीं है, इसके प्रोसेस से नहीं डरना है गाइस, क्योंकि कोई भी सक्सेस ईजिली नहीं मिलती है। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, आपके सपने बड़े हैं, आप उन्हें पूरा करना चाहते हो, तो आपको इन सबको पार करना होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जर्नी इजी नहीं रही है। लास्ट वन देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है और आपको क्या कहना चाह रहे हैं। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड गाइज। अपने माइंड पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान दो, पेशेंस रखो, स्लो डाउन हो जाओ, भागो मत किसी चीज़ की तरफ। देखो हम कंफ्यूज अक्सर कब होते हैं, हम इधर उधर भागते कब हैं, इधर उधर ढूंढना कब शुरू करते हैं, जब हम इम्पेशेंट होते हैं। तो यहाँ पढ़ना सबसे ज़्यादा तो आपको बोला जा रहा है सब्र करो। सब्र करोगे ना तो आप ईजिली अपने क्वेश्चंस के आंसर पा पाओगे अपने आप से। उसके लिए पेशेंस लगेगा, उसके लिए सब्र लगेगा। अगर आप इम्पेशेंट होगे ना तो आप मैसेज नहीं रिसीव कर पाओगे अपना, ठीक है, आप उसे कैच नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर जल्दबाजी लगी होगी ना, आप अभी समझ जाइएगा, अगर आप इस रीडिंग को पूरा देख पाते हैं ना, कि आप में से कुछ लोगों को हुआ होगा कि ठीक है अभी बाद में रीडिंग देख लेंगे, या इतनी इनफ है, बहुत लंबी हो गई है, तो इट मीन्स आपके अंदर पेशेंस की कमी है। प्लीज़ अपने पेशेंस पर काम कीजिए। और ये जो भी प्रोसेस है ना, ये पेशेंस मांग रहा है, इसमें आप भाग नहीं सकते हो, ये धीरे धीरे चलेगा इसका प्रोसेस। तो पेशेंस पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है, आपसे सब्र नहीं होता है, आप वेट नहीं कर सकते हो, तो ये रॉन्ग एटीट्यूड है, ये इसके साथ मैच नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। लेकिन रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल है, बिलीव मी, रिजल्ट बहुत प्यारा है, ठीक है। तो यस माय डियर सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हों। मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और यस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।